गैलेक्सी एम फिफ्टी फाइव फाइव जी। हाँ गाइस, क्या आप लोग सैमसंग के एम फिफ्टी फाइव फाइव जी को लेने वाले हो? क्या इंतजार करो, इसको पूरा देख लेना, पूरा डिटेल में बात करेंगे। जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए आपने नहीं किया। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर सैमसंग ना अपना एम फिफ्टी फाइव को लेकर मैं कह सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है। बिकॉज देखिए एम फिफ्टी सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो एम फिफ्टी लाइनअप जो है वो ऑनलाइन सेगमेंट के लिए लेकर आया गया था, मतलब ऑनलाइन को ही लोगों ने फोकस किया था। अब एम फिफ्टी बहुत चला, एम फिफ्टी एस भी आया था, एम फिफ्टी वन, बहुत सारे लोग अच्छा फोन चला है, बट एम फिफ्टी फोर नहीं आया था तो लोगों को लग रहा था कि एम फिफ्टी फाइव भी इसमें नहीं आया, बट ऐसा नहीं है, एम फिफ्टी फाइव आने वाला है। बात करते हैं फोन के ऊपर तो बिल्ड डिजाइन स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले आता हूँ। बिल्ड डिजाइन बहुत ही मिलने वाला है इस बार आपको। मुझे याद है मेरी हमेशा कंप्लेन रही है इफ एम फिफ्टी सीरीज से कि भाई वो डिज़ाइन प्लास्टिक बिल्ड दे देते हैं और हमें कवर लगा के फोन चलाना पड़ता है, बट इस बार जो आपको बिल्ड दे रहे हैं ना वो मेटल फ्रेम की मिलने वाली है और बहुत अच्छा लुक आपको पे मिलने वाला है। तो इस बार बिना कवर के भी आप लोग भाई बढ़िया दिखा सकते हो फोन की, भाई देखो हमारे पास बढ़िया फोन है, तो ये अच्छी बात रहने वाली। डिस्प्ले में आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा, सेंटर पंच होल, 120 ग्रेड भी मिल जाएगा। तो पैनल की जो क्वालिटी है वो बढ़िया है और प्रीमियम मिलने वाली है आपको। अगर मैं चिपसेट की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 71 जेन की बात हो रही है। भाई ये चिपसेट बहुत आउटडेटेड है, मुझे समझ में नहीं आया, 7 Gen 2 दे देता ना तो मैं मान भी जाता, बट 71 जेन बहुत आउटडेटेड चिपसेट है, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आई बात, तो सैमसंग को इस पर थोड़ा सही करना चाहिए था काम। कैमरा से बात करते हैं, मेन कैमरा आपको मिलने वाला है 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड माइक्रो लेंस मिल जाएगा और रियर से 4K कर पाओगे, वाइज का सपोर्ट होगा, सेल्फी में 30 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल रही है। तो कैमरा डिपार्टमेंट में आप कह सकते हैं बढ़िया फोन है। यहाँ पर बैटरी अगर हम बात करते हैं तो बैटरी आपको जो है उसमें 6000 mAh की मिलेगी प्लस टाइप सी एंड 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। और द बॉक्स आपको चार्जर नहीं मिलेगा, आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा अडैप्टर को। एंड मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बढ़िया है कि बैटरी अच्छी दी गई और फास्ट चार्जिंग को इंक्रीज किया गया, चलिए 20 वोल्ट ही बट किया तो ना। UI में एंड्रॉइड 14 आपको आउट बॉक्स होगा एंड मैन्यूएक्स रन करने लगे। ये पूरा सैमसंग का M55 5G स्मार्टफोन, अगर आप इसे लेना चाहते हो इसकी प्राइस एंड लॉन्च भी सुन लीजिए। इसकी जो प्राइस होने वाली है वो अराउंड 25 से 30 हज़ार रुपये होगी। मैं रिकमेंड मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि भाई 24-23 हज़ार तक आ जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड करेगा, बट अगर ये 25 हज़ार तक भी है तो ठीक है, मैं वैल्यू नहीं बोलूँगा बट ठीक रहेगा, बट अगर ये 30 हज़ार तक जाता है ना तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो कमेंट करके अपनी राय बताइए। और ये नेक्स्ट मंथ में आ रहा है मार्च के एंड तक, तो अगर आप वेट कर रहे हो तो थोड़ा और वेट कर लो, मार्च के एंड अप्रैल में आपको मिल ही जाएगा ये फ़ोन। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो फिर आप डेफिनेटली इसके लिए वेट करिए, बिकॉज अच्छा स्मार्टफोन है और आई थिंक अमेजोन में ही ज़्यादा तक इसका ये एम फिफ्टी सीरीज़ आई है, तो वेट कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।